हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल दोस्तों? दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास हीरो होंडा, या फिर मान लो हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली बाइक होती है, हीरो स्प्लेंडर की। ये हमारे पास एक क्रैंक है, तो इसको मैं अपने आप अब रिपेयर करना सीख चुका हूँ। तो ये हमारे अंकल जी हैं यहाँ पर, जो खराद वाले, जसवीर सिंह जी। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई, अंकल जी ने जो है मुझे यहाँ पर क्रैंक करना सिखा दिया है, किस तरीके से हम क्रैंक करना सीख सकते हैं। तो अंकल जी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल जी कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को। मैं आपकी ऑडियंस को, देखने वालों को, सभी को आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। वह प्योड़ी की और काम सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। जब मर्जी सीखो, जब मर्जी करो। ठीक, तो देखा दोस्तों आपने, जैसे कि अंकल जी ने कहा कि जो पढ़ाई और लिखाई और काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो यहाँ पर काम हम कभी भी सीख सकते हैं, पढ़ाई भी कभी भी जारी रख सकते हैं। तो आज होली का दिन है, सबसे पहले तो आपको और हमारे अंकल जसवीर जी की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये क्रैंक है, इसको मैं अपने आप आपको रिबिल्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि ये क्रैंक है, हालांकि पहले इसका काम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास इसका हेड है, इसके अंदर मैंने दोनों गाइडें वगैरह लगवानी है, काम करवाना है, और ये मैंने फैक के बैरिंग डलवाने हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास असेंबली किट है, देख सकते हैं, ये अरोमा कंपनी की है, ये एक नंबर है, स्टैंडर्ड एक नंबर, दो नंबर, ये ऐसी किट आती है, तो मैं किट ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा पिस्टन है, ये मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारे पास हीरो जैनवन है, देख सकते हैं, यहाँ पर सेल या फिर उषा कंपनी का, इसके ऊपर ये आप लोगों देख सकते हैं। तो ये मैं इसके अंदर डलवाऊंगा। तो चलिए आप बात करते हैं अपनी मेन क्रैंक की। तो क्रैंक को हम किस तरीके से रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको रिपेयर करते हैं और कैसे इसकी बिल्कुल एक्यूरेट सही लाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये एक टूल होता है, इसके द्वारा हम इसके बैरिंग निकाल लेते हैं। तो मैंने जो है एक अलग से टूल बनाया हुआ है, मैं आपको दुकान पे जाकर दिखाऊंगा कैसे हम इसको बैरिंग को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसमें एक हाइड्रोलिक जैक लगा होता है, तो इससे यहाँ पर इसको जैसे ही पंप करेंगे तो यहाँ पर ये बैरिंग आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये, इससे कुछ कड़क की आवाज़ आई और ये बैरिंग आसानी से निकल गया। तो देखिए, तो दूसरे वाला भी ये ऐसे ही निकल जाता है। तो चलो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर कई बार अगर ये टाइट होता है मान लो, तो यहाँ पर हम इसको इस लाइन में लगा के जो है इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं और इधर से हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम ऐसे इसकी क्रैंक को पहले इसको खोलते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हीट किया और पिन उस साइड में निकल गई। तो बहुत सारे ऐसे खराद वाले हैं जिनके पास हाइड्रोलिक मशीन होती है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा बहुत काम होता है वहाँ पर तो हाइड्रोलिक मशीन रखना चलो पॉसिबल नहीं है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे कि टाइम ही नहीं लगता, तो वहाँ पर तो जो है खराद वाले हाइड्रोलिक मशीन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इसकी क्रैंक है और ये इसकी पिन निकल गई। तो मैं अब इसमें चेक करूँगा, वैसे तो ये पहले स्टैंडर्ड ही डली हुई है क्योंकि पहले एक बार काम हो चुका है और ये कट चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पर ये दाग हो चुका है, जिसके चलते ये यहाँ से साउंड करती है। तो चलो अब मैं आपको इसको कैसे रिबिल्ट करते हैं, कैसे इसकी सही लाइन होती है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये खराद होती है, तो यहाँ पर ये लगा के जो है इसको इस टाइप से इसकी लाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये क्रैंक है, तो इसको यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर इसका पार्ट जो होते हैं साइड के, जो ये बैरिंग होते हैं, यहाँ पर इनके हिसाब से ये लाइन करते हैं। तो सबका जो काम करने का तरीका अलग अलग होता है, जो खराद वाले होते हैं कोई किसी तरीके से लाइन करता है, कोई किसी तरीके से लाइन करता है, लेकिन जो मैं आपको लाइन करके दिखाऊंगा, मैं एक डायल गेज के द्वारा आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं दुकान पर चलता हूँ और इसके बाद आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे हमने इसकी लाइन करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, मैं अपनी दुकान पर ये सामान लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्केल, एक पत्ती, फिलर गेज और छेनी वगैरह, हथौड़ा वगैरह। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी ये पुरानी पिन है, यहाँ से ये कट चुकी है, देख सकते हैं, तो जिसके चलते यहाँ से क्रैंक आवाज़ करने लगती है। तो यहाँ पर जो इससे रोड निकली है, यहाँ पर ये इससे रोड निकली है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये असेंबली किट डालेंगे, एक नंबर, जो मैंने आपको दिखा दिया, जो हमारी ये एक नंबर पिन है, देख सकते हैं, और मैं कंपनी की, इसके ऊपर डेट है 11/2022।
तो ये मैं इसमें डालूंगा। तो अब डालनी कैसे है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इन पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेना है और यहाँ से इसके फेस को भी सही कर लेना है। देखिए ये हमने इसको साफ कर लिया, और जो हमारी पिर होती है इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से ना हम ग्राइंडर के द्वारा घिसा लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये भी खींची हुई है, जैसे कि हमारी एक कील होती है आगे से वो पैनी होती है, ऐसे ही हमने थोड़ा इसको घिसा लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको घिसाना है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस पिन को देखिए दोनों साइडों से घिसा लिया है ताकि ये अंदर आसानी से इसमें जा सके। तो अब हम दिखाते हैं कैसे अपने इसको फिट करना है। तो अब हमारे यहाँ पर ये दो पार्ट हैं, ये मैग्नेट साइड और ये हमारा क्लच साइड। तो हमने इसको यहाँ पर ये जो पिन होती है यहाँ पर ऐसे इसको इसमें फिट करना है, बिल्कुल इसके सामने। देखिए यहाँ पर जो ये इसमें गोली लगी है ताकि यहाँ पर जो ये इस तरह का होल है यहाँ से इसमें ऑयल यहाँ पर आगे आएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पर दिखाओ, तो बिल्कुल सामने रहना चाहिए और यहाँ पर हमने इसकी पिन को इसमें ठोक दिया है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इधर से इसमें हवा मारेंगे तो यहाँ पर ये निकल जाएगी। तो पिन आपकी बिल्कुल सीधी ही इसमें जानी चाहिए। और अब इसके बाद यहाँ पर आप इसको थोड़ा साफ़ कर लें, थोड़ा इसमें ऑयल लगा लें या बादे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी इसकी जो इलेक्ट्रिक रोड है ये असेंबली किट है अरोमा कंपनी की, ये इसमें बैरिंग। तो यहाँ पर ये हमने इसमें ऐसे लगाना है और यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर घिसी हुई होती है ताकि इसकी लाइन सही रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ पर ऐसे फिट कर दिया इस पार्ट को। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर है इसका फेस, कोई भी यहाँ पर इसमें गैप नहीं है। तो अब यहाँ पर पकड़ो भाई इसको, अब यहाँ पर जो हमारा इसका दूसरा पार्ट है ऐसे, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्केल होता है तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे रखना है ताकि यहाँ पर ये इसकी लाइन बिल्कुल बराबर हो सके। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको रखेंगे और थोड़ा यहाँ पर इसको बराबर करके यहाँ पर हीट करेंगे। अब यहाँ पर ये बराबर हो गई, तो इसको आप एक बार ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ पर ऐसे हीट करना। देखिए अब ये यहाँ पर हीट हो गई, और यहाँ पर देखिए हम इसको एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर है, देखिए यहाँ से भी कोई अप डाउन नहीं है और ना ही इस साइड से, ठीक है। और यहाँ पर बीच से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी ओके है। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर रख के नीचे तक पुश कर लेते हैं, और जब इसको नीचे तक हम करेंगे तो यहाँ पर हम इसके अंदर जो है ये 0.6 mm का गैप इसमें रखेंगे। ये हमारे पास एक फिलर गेज है यहाँ पर ये, तो हमने क्या करना है यहाँ पर ये इसमें 0.6 mm का गैप रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो ये 0.6 mm है, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने इसको बिल्कुल बराबर यहाँ से इसकी फिटिंग कर दी है। और यहाँ पर मैं आपको चेक करा दूँ जो हमारी क्रैंक है, तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर इसके अंदर आपको जो है ये 0.06 mm का गैप आपको इसमें मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, 0.6 mm का गैप, तो यहाँ पर साथ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर 0.6 ये इसमें mm गैप होता है, ठीक है, साथ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी वैसे 0.06 mm का यहाँ पर ये गैप रखती है,
तो खराद वाले शायद इससे ज़्यादा भी रखते होंगे। तो चलो अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हमने इसमें दोनों बैरिंग ठोकने हैं और जो हमारा ये टाइमिंग होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे यहाँ पर ये इसकी टाइमिंग गाड़ी फिट होगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो हमने इस क्रैंक को यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक है, और जो मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा दिया कि आपने इसके अंदर 0.06 mm गैप रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद देखिए सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम क्रैंक करते हैं ना तो यहाँ पर जब हम ये स्केल रखते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर हमारा इसका ये स्केल इधर उधर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी फर्क नहीं है, देखिए यहाँ पे बीच से भी और यहाँ से भी। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी क्रैंक की लाइन अब बिल्कुल प्रॉपर सही है, लेकिन वो तो बाद में मैं करके दिखाऊंगा। हमारी क्रैंक की जो है 95% लाइन यहीं से एक्यूरेट हो जाती है। अब यहाँ पर ये बैरिंग जो हम इसमें फैग कंपनी के डालने हैं, यहाँ पर ये देखिए फैग कंपनी का बैरिंग है, देख सकते हैं। तो पहले मैं इधर वाला डाल लेता हूँ, ठीक है, या आप इधर वाला भी डाल सकते हैं। तो चलो मैं इधर वाला ही डाल लेता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये एक पाइप लेना है, इसके ऊपर रख के ऐसे हीट करना है, तो बस ये यहाँ पर इसमें ये बैरिंग अंदर चला गया। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ये टाइमिंग गाड़ी होती है यहाँ पर इसका ये इस टाइमिंग कैसे करें। देखिए जो हीरो की बाइक होती है ना, जो ये इसमें कार्टर लगी होती है, इसके सामने ये वाला हिस्सा आएगा ऐसे, देखिए इस कट के सामने ऐसे आ गए, ठीक है। और जो टीवीएस की बाइक होती है उनमें ऐसे आता है, ठीक है, ये आप इसमें पॉइंट को याद रखें। और जो हीरो की कोई भी बाइक होती है उनका ऐसे, तो आपने इसको पीछे ऐसे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लें बिल्कुल सामने, तो चलो हमें तो आइडिया है कहाँ पर ये जाएगी, तो ये ऐसे आप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सामने करके आपने इसको ऐसे हीट कर देना है। यहाँ पर जो टाइमिंग गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो आप इसको नई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर बिल्कुल ओके है, दांदे इसके कोई आड़ तिरछे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये बिल्कुल सामने इसके ये आप देख सकते हैं टाइमिंग गाड़ी बिल्कुल इसके अंदर जो ये खाली हिस्सा है यहाँ पर आ गई। और इसका जो दूसरा बैरिंग है यहाँ पर, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं, कंपनी का जो ये नाम होता है इसको आप बाहर की साइड करें। यहाँ पर ये बाहर की साइड हो गया, इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ये इसमें हीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर गैप होना चाहिए, आपकी पिन बिल्कुल सही होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही है। तो अब हमारी क्रैंक 95% बिल्कुल ओके है। अब इसकी जो हमारे लाइन होती है, कुछ खराद वाले यहाँ से इसकी लाइन करते हैं और कुछ यहाँ से, ठीक है। तो सबका अलग अलग काम करने का तरीका है, वैसे कंपनी यहाँ से भी करती है यहाँ से भी करती है, एक डायल गेज यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन चलो चाहे आप यहाँ से करें, चाहे यहाँ से, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके लाइन करें। अब देखिए जो कंपनी करती है यहाँ पर, तो चलो ये मानो सीधी होती है बिल्कुल जब हम नए क्रैंक डालते हैं, लेकिन जब ये कुछ बार क्रैंक खुल जाती है और यहाँ पर बहुत सारे हैमर के द्वारा इस पर हीट करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इसमें बैंड भी आ जाता है। तो उसके बाद बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इसके नज़दीक से यहाँ से इसकी लाइन होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसकी लाइन होती है। अब यहाँ पर एक बात और, जो हमारी ये इससे पुरानी रोड और ये पिन निकली है, तो आप इसके अंदर को जुगाड़ करवा के इसको खिसवा के इसमें न डालें तो उसकी क्रैंक की जो लाइफ होती है काफ़ी कम होती है, ठीक है। हालांकि देखिए इसके अंदर इन प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये यहाँ से कट चुकी है। तो यहाँ पर जब ये खराद वाले इसको खिसाएंगे ना तो ये प्रॉपर एक्यूरेट नहीं खिस पाती, जिसके चलते इसकी लाइफ कम होती है। तो यहाँ पर आप इसका विशेष ध्यान रखें। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसकी लाइन होती है कैसे नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इसकी लाइन कैसी है कैसे नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम इस क्रैंक की कनेक्टिंग रोड को ऐसे घुमाते हैं तो ये बिल्कुल भी कहीं पर नहीं फंसनी चाहिए। लेकिन देखिए जो मान लो हम यहाँ पर ये इसमें नई क्रैंक
फिट करते हैं, मतलब कि नई असेंबली किट, वो तो इसमें नहीं फंसेगी। तो इसके बाद यहाँ पर आप इसमें ऑयल वगैरह दे लें, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये ऑयल यहाँ से निकले। तो जो मान लो खराद वाले यहाँ पर जुगाड़ करके जैसे घिसा के इसमें नई कनेक्टिक रोड पिन डाल देते हैं, ठीक है, या इसको रिपेयर करते हैं, तो वो ज़रूर फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बराबर नहीं घिस पाती, ये इसका एक रीज़न होता है। तो आप इसमें ये याद रखें। तो चलो आप इसको यहाँ पर जब भी चेक करें तो ये यहाँ से जो है इसमें प्ले होनी चाहिए और ये फ्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मान लो जैसे कि हमने इस क्रैंक को यहाँ से सेट कर दिया, तो अगर मान लो जैसे कि ये पार्ट आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी क्रैंक में लंगर होगा, ठीक है, ये अप डाउन करती हुई चलेगी। तो ऐसे में इसकी हमने बराबर जो है लाइन कैसे करनी होती है, देखिए मान लो जैसे कि ये पार्ट ऊंचा है, ठीक है, बाद में हमने जो है इसको इसमें ठोकना पड़ता है, ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही ठोक दिया। अब इसको हम यहाँ पर जो है नई छेड़खानी करेंगे इसके साथ, मतलब कि यहाँ पर हीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिन का होल होता है ना ये इसके सामने होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस साइड से इसको बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर इसको थोड़ा लाइन को सेट करना है, हमने इस साइड से इसको सेट करना है, मतलब कि हीट जो करनी है हमने यहाँ पर करनी है या फिर इस साइड में। तो हीट कैसे करेंगे, मान लो जैसे कि ये पार्ट ऊंचा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक पत्ती लेनी है और यहाँ पे रख के ना इसको हीट करना है, ठीक है। मान लो जैसे कि ये पार्ट इधर से ऊंचा है तो इस साइड में चोट लगेगी, अगर मान लो ये इस साइड से नीचा है और इस साइड से ऊंचा है, ठीक है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने इस साइड वाले को यहाँ पर जो है ऐसे पत्ती को रखा और यहाँ पर हीट कर दिया, ठीक है, हल्की हल्की जितनी इसकी मान लो ये लाइन होती है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर ये सेट कर लिया, वैसे तो ठीक ही थी ये, ठीक है, अगर 19-20 होती है तो इसको आप इस तरीके से सेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा स्केल बिल्कुल ये बराबर है, देख सकते हैं दोनों साइड से बराबर है, बीच में से भी बिल्कुल बराबर है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, दिखाऊँ इधर दिखाऊँ, देखो यहाँ पर भी ये बिल्कुल बराबर है। जैसे अगर जैसे मैंने आपको बता दिया, तो अगर यहाँ पर जैसे कि ये मैं आपको गैप दिखा रहा हूँ ना, देखिए ये इस साइड में गैप है, देखिए, ठीक है, आपको ऐसे देखने को मिलता, ठीक है, भाई ये ऊंचा नीचा पार्ट है। तो ऐसे पत्ती के द्वारा हम हीट करके इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने इसको ये बिल्कुल सेट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि 95% या ज़्यादा इससे ये एकदम एक्यूरेट इसके लाइन हो जाती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी हीट करते हैं और इसकी लाइन चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है आपको ये दिखाते हैं, जो हमारे पास ये रायल गेज होती है, इससे हमने इसकी लाइन कैसे सेट करनी है बिल्कुल लाइट हो। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए जो हमारी क्रैंक है, ये हमारे पास एक टूल बनाया हुआ है ताकि क्रैंक को यहाँ पर अच्छे से रख सकें, और यहाँ पर हमारे पास ये डायल गेज होती है। तो अब मैं आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारी क्रैंक है, यहाँ पर मेरे पास दो डायल गेज तो नहीं है, एक ही है। तो मैं जैसे इसको घुमाता हूँ, यहाँ पर देखिए जो ये इसकी सुई होती है, यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट एक जगह टिक गई है। तो ऐसे में ये जो हमारी क्रैंक की लाइन है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 95% से ये हो चुकी है। तो यहाँ पर जब हम इसको चेक करते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अगर इसमें लंगर होता है थोड़ा बहुत ही, तो इसको हम यहाँ से हल्का सा हीट करके इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी क्रैंक है ना, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि हम इसको घुमाएंगे ऐसे ही ये इंजन के अंदर घूमेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसको दाएं बाएं करके दिखाता हूँ, कभी आपको ये लगे कि यहाँ पर ये थोड़ा इसमें डायल जो गेज होती है इसमें कुछ फ़र्क हो, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर ये जो है ना बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट इसकी लाइन हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हमने इसकी लाइन को एक्यूरेट कर दिया है। वैसे भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि जो हमारी क्रैंक है बिल्कुल सीधी एकदम यहाँ से घूम रही है, देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी हल्का सा कोई लंगर वगैरह नहीं है। अब मैं इसको दूसरी साइड से आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि चलो वैसे अगर मेरे पास दो डायल गेज होती तो आपको एकदम दिख जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है इसको एक को ही यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस साइड से भी जो है इसकी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी लंगर वगैरह नहीं है। तो देखिए जो इसका ये हमारा डायल गेज है, यहाँ पर ये बिल्कुल स्टिक एकदम बता रहा है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता तो ये जो है इसकी जो नीडल मतलब कि सुई होती है थोड़ा बहुत अप डाउन करती है, तो इसके अंदर 0.04 mm का गैप अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी खुद रेकमेंड करती है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसकी जो है ये क्रैंक की लाइन कर देते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर जो है इसकी एक्यूरेट लाइन कर दी है, जो मैंने आपको करके दिखाया। तो यहाँ पर हमने जो है इसके ऊपर हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे मैंने आपको एक स्केल के द्वारा इसकी बिल्कुल बराबर यहाँ से जो इसके ये पार्ट होते हैं इनकी लाइन बिल्कुल ओके हो गई, और यहाँ पर मुझे इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। तो इस तरीके से हम इसकी ये लाइन कर देते हैं और इस क्रैंक को रिपेयर कर देते हैं। तो अब मैं आपको जो हूँ जो ये मैं इसका इंजन रिबिल्ड करूँगा जिसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसके बाद आपको इसकी साउंड भी सुनाऊँगा कैसी इसकी साउंड है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
30 रुपए जी। ये रोक सो तो फाइनली गाइस मैंने जो है अपनी इस बाइक की इंजन की फिटिंग कर ली है, जो हमारी ये हीरो होंडा स्प्लेंडर है। तो यहाँ पर हमारा सामान अभी यहीं पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो देखिए ये हमने इसकी क्रैंक खोली थी, यहाँ पर ये हमने इसमें जो आपको डाल के दिखाई, इस क्रैंक को रिपेयर करके दिखाया। तो यहाँ पर ये हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर ओल्डर मॉडल बाइक है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसके इंजन को जल्दी से फिट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको इसकी साउंड सुनाऊँगा, कैसी इसकी साउंड बनती है कैसी नहीं। तो गाइस यहां पर हमने जो है अपनी बाइक की कंप्लीट फिटिंग कर दी है और इसको अभी स्टार्ट किया हुआ है, देख सकते हैं। तो अभी इसकी आप साउंड सुन सकते हैं, देखिए यहां पर ये जो है ना बिल्कुल साइलेंट खड़ी है, देख सकते हैं। तो बाइक वही है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जो मैंने आपको दिखाया था बाइक को मैंने अभी कम्प्लीट ही किया है और अभी वॉशिंग वगैरह करनी है, ठीक है। तो अभी मैंने इस साइड का जो कवर है मैग्नेटिक कवर उसको अभी नहीं लगाया है। तो फिलहाल मैंने आपको इसमें जो मैंने आपको ये क्रैंक करके दिखाई तो और जो मैंने इसका ये फुल इंजन किया है, ठीक है, 25 नंबर हमने पिछले पिस्टन डाला है और बाकी इसका काम हुआ है जो मैंने पार्ट्स आपको दिखाए थे। और यहाँ पर इसकी साउंड आप सुन लें, यहाँ पर ये तो जो हमने इसकी क्रैंक की है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर से कोई भी अलग से अदर साउंड नहीं है। तो क्रैंक की साउंड तो आना दूर की बात है, तो बिल्कुल साइलेंट बाइक खड़ी है, देख सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि वाइब्रेशन हो जाती है, धड़कन हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो ये बाइक है ना काफ़ी पुरानी है, देख सकते हैं। तो देखिए तो इसके अंदर से अब कोई किसी तरह की साउंड नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी क्रैंक को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिल शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।